हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के चैप्टर नंबर 1 यानी संविधान क्यों और कैसे। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था संविधान के बारे में, उसके निर्माण के बारे में, संविधान के महत्व क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज इस चैप्टर के महत्वपूर्ण विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे, जो पिछली वीडियो हमने नहीं बताया था इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, यानी संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे, है ना, इसकी प्रथम बैठक कब होती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना ले तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि मैंने लिखा कि संविधान निर्माण की, यानी संविधान निर्माण क्या है। भारतीय संविधान सभा की अगर हम बात करें, इसकी बैठक कब होती है सर्वप्रथम बैठक, तो भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली बैठक होती है दोस्तों, वो होती है 9 दिसंबर 1946। अब यानी यहाँ से हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यानी कब बैठक होती है, पहली है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और यहीं से एक प्रश्न भी उठकर आता है कि भारतीय संविधान सभा की पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की, यानी भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो हमारे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अब हमारे सामने प्रश्न उठा कि फिर जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष क्यों बनाया गया। दोस्तों हमारे संविधान की सर्वप्रथम परंपरा ये रही है कि हम अपने संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ यानी वरिष्ठतम सदस्यों में से अध्यक्ष चुनते हैं। और ये प्रक्रिया हमने किस संविधान से ली है, प्रक्रिया हमने ली है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान की प्रक्रिया अपनाते हुए हमने अपने सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। लेकिन उसके दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हमने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। ठीक है, इतना समझ गया, ओके चलिए आगे बढ़ते। अब यहां पर दोस्तों ना, संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो यानी पहली बैठक के बाद संविधान बनकर तैयार होता है दोस्तों हमारा 26 नवंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान बनकर तैयार कब होता है, 26 नवंबर 1949 को। यानी आप देख सकते हैं बैठक की शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 से, बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान लागू कब होता है, भारतीय संविधान लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। यानी हमारा संविधान बनकर यानी लागू कितने समय हो गया, बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगा, राइट। तो हमारे सामने प्रश्न ये हो जाता है दोस्तों कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो फिर हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। तो यहाँ ना बहुत एक हम कहते हैं ऐतिहासिक चीज़ छुपी हुई है। वो ऐतिहासिक चीज़ क्या है मेरे दोस्तों, वो ऐतिहासिक चीज़ ये है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया यानी 26 जनवरी 1950, ठीक उसी से 20 साल यानी 20 वर्ष पहले हम देखेंगे, 20 वर्ष पहले यानी 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहली बार। कितने साल पहले, 20 वर्ष, ठीक 20 वर्ष पहले। और ये जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया किस लिए मनाया गया, किसकी वजह से मनाया गया था दोस्तों, तो मनाया गया था 29 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में ना एक
पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था भारत किसी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अपने लाहौर अधिवेशन यानी 29 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई यानी मांग को माना गया, और उसी मांग को पूरा करते हुए पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उसी दिन की ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए ही हमने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया, जबकि वह बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। आप समझ गए कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनने के बावजूद भी लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। क्यों? तो क्यों को उत्तर यही था कि 26 जनवरी 1930 को ही हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नोट लिखा हुआ, तो यहां ध्यान दीजिए, लिखा हुआ कि ना संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। बहुत बार एक नंबर में प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो हमारे संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी दोस्तों 389 यानी 389। अब ठीक है, 389 सदस्य संख्या थी, और इस 389 में 296 यानी 296 कहाँ से थे, तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे। याद रखना, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की बात हो रही है, ब्रिटिश प्रांतों नहीं, यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की बात हो रही है, यानी जहां ब्रिटिश का शासन था, राइट, महत्वपूर्ण रूप से, ठीक, वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत, कहीं आप ब्रिटेन के प्रांत ना देख ले रे। उसके बाद इस 389 में से 93 दोस्तों कहां से थे, वो थे हमारे देशी रियासतें। रियासतों का मतलब वो रजवाड़े, राजा महाराजा, आप भोपाल नरेश की बात कर लें, कश्मीर नरेश की बात कर लें, वो जितने हमारे रजवाड़े हैं उनका भी प्रतिनिधि हमारे संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो इस तरह कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास, 389। चलिए अब आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो उस समय हमारे संविधान सभा में यानी उस समय की सभी महान हस्तियां शामिल थी, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता द फादर ऑफ द नेशन शामिल नहीं थे, यानी जिसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, जिसने एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो वो हमारे संविधान सभा में शामिल नहीं था। ये बहुत बड़ा प्रश्न भी बन जाता है। तो हालांकि ये अभी अगर मैं थोड़ी सी इस पर फोकस करूँ या थोड़ा सा फोकस करूँ कि महात्मा गांधी शामिल क्यों नहीं थे, तो महात्मा गांधी उस समय भारत के द्विभाजन राष्ट्र से आहत थे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत विभाजन हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजनीति से अलग कर लिया था, इसीलिए वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे। वो नोआखली में दंगा भड़ गया तो वहाँ उसको सुलझाने में लगे हुए थे। ठीक, चलिए, तो समझ गए कि उस समय संविधान में सभा में उस समय सभी महान हस्तियां शामिल थी, लेकिन गांधी जी का एक अपवाद था, राइट, अपवाद को छोड़ दिया, सभी शामिल थी। यहां पर आप देख रहे हैं ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, ये कैसे आ गया दोस्तों, क्योंकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1950 बनकर तैयार हो गया था, फिर बैठक किस बात के लिए होती है। यहां पर फोकस करने वाली बात है, वो फोकस क्या दोस्तों, जब हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उस दिन से लेकर 1950 तक हमारे संविधान सभा ने दो रूपों में काम किया। कितने रूपों में? दो रूपों में। एक रूप था संविधान बनाने का यानी संविधान निर्माण करने का, दूसरे रूप में हमारा संविधान जो किस यानी जो हमारी संविधान सभा किस रूप में काम कर रही थी, वो विधानसभा यानी विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, यानी जो भी नियम बने उसको सही ढंग से लिखने का कार्रवाई करने का काम कौन कर रही थी, संविधान सभा। तो यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि जब हमारा संविधान यानी जब हमारी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हो रही थी तो उसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे, जब हमारे संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हो रही थी तो उसकी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, और जब हमारी संविधान सभा की बैठक है ना एक प्रकार के कानून निर्माण की प्रक्रिया कहें या विधानसभा की प्रक्रिया कहें उसके तहत की जा रही थी तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जीवी मावलेंकर, जो आगे चलकर भारतीय संविधान सभा के प्रथम यानी विधान जो हमारी संविधान सभा या लोकसभा कह लीजिए उसके प्रथम अध्यक्ष भी बनते हैं। कौन? जीवी मावलेंकर। यहां पर यहां नोट फोकस करना कि संविधान सभा दो रूपों में काम कर रही थी, एक संविधान मेकिंग की और दूसरा उस संविधान में जो प्रक्रिया थी उसको शामिल करने की, राइट, ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको, नोट करके चलना। चलिए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950
50, उसके बाद दो दिन बाद क्या हो गया, हमारा संविधान लागू कर दिया गया। संविधान सभा ना अन्य रूपों में कार्य कर रही थी। यहाँ पर देखिए कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, यानी हमारे संविधान सभा द्वारा क्या अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को, कब, 22 जुलाई 1947 को। इसी के साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपना लिया गया। आई होप आप सभी को पता होगा और पता भी होगा आपको कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया, तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है ये भी आपको बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो याद रखना अन्य कार्य भी हमारे संविधान सभा के थे, यानी राष्ट्रध्वज को अपनाना, राष्ट्रगान को अपनाना और राष्ट्रगीत को भी अपनाना। अब प्रश्न उठ जाता है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, या उससे पहले जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो क्या 26 नवंबर 1949 को हमारे पास सारे अधिकार आ गए, या जितने भी हमारे संविधान में अधिकार दिए गए क्या वो अधिकार हमें 26 नवंबर 1949 को ही प्राप्त हो गए? तो बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं का मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं का मतलब क्या होता है कि कुछ अधिकार जो है हमें प्राप्त हुए थे, कब प्राप्त हुए गए थे, 26 नवंबर 1949 को। तो उन अधिकारों में शामिल था दोस्तों नागरिकता का अधिकार। किसका अधिकार? नागरिकता का अधिकार, यानी आर्टिकल 324, सॉरी नागरिकता का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सॉरी चुनाव का अधिकार है आर्टिकल 324 में। नागरिकता का अधिकार आप बात करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, यानी नागरिकता का अधिकार, चुनाव का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें कब प्राप्त हो गए थे, 1949 26 नवंबर को, ताकि हम अपने अधिकारों यानी नागरिक का प्रयोग कर सकें। उसके बाद जब हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद हमारे को सभी के सभी अधिकार क्या हो गए, स्वतः ही प्राप्त हो गए। सारे अधिकार जिसे हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, वो सारे अधिकार कब प्राप्त होते हैं, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि मूल संविधान में कितने कुल अनुच्छेद थे? तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 1 प्रस्तावना को शामिल किया गया था। यानी मूल संविधान, कब मूल संविधान, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसे हम कहते हैं मूल संविधान। यानी मूल का मतलब होता है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, क्योंकि हमारे संविधान में जैसे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पास होता है, उसके एक वर्ष बाद तुरंत ही पहला संविधान संशोधन कर दिया जाता है। यानी संविधान संशोधन से पहले हमारे पास कितने थे, 395 अनुच्छेद, 1 प्रस्तावना और 8 अनुसूचियां, राइट। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में अगर देखें दोस्तों तो इसकी संख्या 470 से अधिक हो गई है, इसकी संख्या दोस्तों 12 हो गई है, और अगर हम भाग की बात करें तो 24 भाग हो गए हैं। प्रस्तावना एक ही है, क्योंकि हर संविधान की एक ही प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हाँ, शब्द से बदले गए हैं, वो आर्टिकल 42 यानी संविधान के 42वां संशोधन 1976, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना, राइट। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, आप नोट करते रहिए। चलिए, तो आप समझ गए मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। अब यहाँ पे ना मैंने एक प्रस्तावना नीचे देखना, मैंने एरो का निशान लगाया है। तो प्रस्तावना क्या है दोस्तों, तो प्रस्तावना के जरिए अगर आपको बात बताऊं तो प्रस्तावना पहले उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाने जाती थी, यानी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रश्न पूछा जा सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया, कब पास किया गया, कब लागू किया गया और कब पेश किया गया, तो ध्यान रखना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब पास किया गया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। देखो यहाँ पर सर्वसम्मति का मतलब मैं आपको बताते चलो क्या होता है, सर्वसम्मति का मतलब होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ना, यानी सभी क्या थे, से सहमत थे। और यही उद्देश्य प्रस्तावना, यानी उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बनकर तैयार हो जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव में, उद्देश्य प्रस्ताव नहीं, हमें क्या दिया दोस्तों, पहली बार हमें क्या बताया इसने कि भारत एक संप्रभु संपन्न गणतंत्र राज्य है। संप्रभु संपन्न गणतंत्र, याद रखना संप्रभु संपन्न और गणतंत्र की बात कहाँ की गई थी,
उद्देश्य प्रस्तावना में, और वही ठीक उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनकर लिखा गया। यानी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम भारत को यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद रखना दोस्तों। चलिए यहाँ से क्लियर, ओके क्लियर ना, ठीक। अब बात करते हैं संविधान की आलोचना कि दोस्तों ना, बिना आलोचना के हम संविधान को पूरा ही नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ की आलोचना जब तक ना हो, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तुलनात्मक अध्ययन में ना, क्योंकि आपको हमेशा तुलना ही करने, यानी हम कहते हैं ना कि कॉम्पिटिशन यार, तुलना करना, तुलना उस चीज़ की नहीं, तुलना अपने आप से करनी चाहिए आपको, राइट, किसी दूसरे से नहीं। जब आप अपने आप से तुलना करने लग जाओगे तो आप बहुत आगे जाओगे, तो कॉम्पिटिशन खुद से रखना चाहिए। लेकिन हम संविधान की बात करें तो संविधान में कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके हमारे संविधान विशेषज्ञ कह लीजिए या राजनीतिक विचारक कह लीजिए, उन्होंने आलोचना की है, तो उसी आलोचना पर हम फोकस करते हैं। यहाँ लिखा गया ना कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। संविधान के आलोचक यानी भारतीय संविधान के जो आलोचक है वो कहते हैं कि भारतीय संविधान क्या थी, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यानी प्रतिनिधि निकाय का मतलब था, वो कहते हैं कि ये पूरी जनता का प्रतिनिधि नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों, भले ही हमारी जो संविधान सभा वो उसे जनता ने प्रत्यक्ष रूप से मत देकर नहीं चुना था, लेकिन हमारी संविधान सभा के सभी सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही किया गया था। भले उन्होंने डायरेक्ट नहीं चुना, क्योंकि आप देख रहे उस समय ना डायरेक्ट चुनाव हो भी नहीं सकते थे, ना तो हमारी इतनी अच्छी स्थिति थी और ना ही हमारे पास इतने संसाधन थे कि इतने बड़े विशाल क्षेत्र में चुनाव कराया जा सके। तो समझ लेना, प्रतिनिधि निकाय थी लेकिन प्रत्यक्ष नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष थी। ठीक उसी प्रकार से जैसा आज हम राष्ट्रपति को चुनते तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति फिर भी हमारा राष्ट्रपति होता, क्यों, उसे हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से। संप्रभुता का अभाव, विचारक और आलोचक कहते हैं कि जो हमारे संविधान है वो क्या है, उसमें संप्रभुता का अभाव है। संप्रभु का मतलब ये होता है कि सब कुछ अपने आप करना, किसी का किसी पर दबाव ना होना, राइट। लेकिन आलोचक कहते हैं कि चूंकि भारतीय संविधान सभा के निर्माण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर किया गया, वो कैबिनेट मिशन जिसकी अध्यक्षता क्रिप्स ने की थी, यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने की। तो जब कैबिनेट मिशन 1942 में भारत आया दोस्तों, उसी के आधार पर हमने 9 दिसंबर 1946 की अपनी पहली बैठक की थी। तो इसी आधार को तय करके ना आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, परंतु भारतीय संविधान सभा संप्रभु थी, उस पर ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। तो यहाँ से भी देख देते हैं। तीसरा जो आलोचना की जाती है दोस्तों, वह समय की बर्बादी। कहा जाता है कि भारतीय संविधान ना बहुत ज़्यादा समय ले लिया, और समय हम कहते ना, और हम इसलिए ना हम कहते ना कि आलोचक कहते हैं कि समय बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जितना ही ज़्यादा गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है। तो हमने समय तो दिया, लेकिन हमारे समय सही माने उतना ज़्यादा मीठा भी हो गया, राइट। अब हम कहते हैं ना कि क्योंकि हमने ना विभिन्न देशों के संविधानों को जांचा, परखा, खंगाला, तब जाके अपने नागरिकों के लिए संविधान तैयार किया, तो यह आलोचना भी निराधार साबित होती है। कांग्रेस का प्रभुत्व, एक बहुत बड़ी राजनीतिक विचारक है, उनका नाम है सर ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑस्टिन कहते हैं ना कि जो कांग्रेस थी वही संविधान सभा थी और संविधान सभा ही कांग्रेस थी। लेकिन यह भी कहना गलत हो जाता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले में सभी लोग शामिल थे, और उस समय वो तमाम महान हस्तियां शामिल थी जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसके अलावा ना एक और आलोचना की जाती है कि हमारा जो संविधान है वो उधार लिया गया संविधान है, यानी हमने अपने संविधान को क्या किया है, विभिन्न देशों से उधार लिया है। ये भी तथ्य गलत कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है क्योंकि भले ही हमने विभिन्न संविधानों से लिया है, लेकिन हमने ना विभिन्न संविधानों से हूबहू नहीं लिया है। हमने पहले देखा कि ये हमारे नागरिकों के लिए सही होगा या नहीं होगा, आने वाले सालों में इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम DPSP की बात करें, DPSP दोस्तों डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की पॉलिसी होती है, इसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। तो आप देखिए ना, आर्टिकल 21 क्लोज ए, अनुच्छेद 21 क्लोज ए यानी अनुच्छेद 21 का भाग ए, जिसे आज हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, पहले वो क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हो गया ना, लेकिन पहले क्या था, वो राज्य के नीति यानी DPSP थे ये। लेकिन परिवर्तन किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि हम अपने संविधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, और इसी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने के लिए हमने भी संविधान से, लेकिन जांच परख के लिए। इसी तरह ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका से क्या लिया, मौलिक अधिकार।
ठीक है, तो जर्मनी से संशोधन की प्रक्रिया, तो ऐसी बहुत सारी सारी चीज़ें हैं जो हमने ली हैं, लेकिन हूबहू नहीं ली हैं, नकल नहीं। यह वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, हमने नकल तो करी है लेकिन अकल के साथ, ताकि वो हमारे लिए क्या हो जाए, बेनिफिट है और हमारे नागरिकों के लिए आसान साबित हो जाए। भारतीय तो ये यानी संविधान की रचना समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता मैं आपकी चर्चा करता हूँ, यानी भारतीय संविधान सभा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या दोस्तों, ये संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी हम संघ तो जरूर हैं लेकिन हम अपने बिना संविधान में संशोधन किए ही एकात्मक रूप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति का शासन, भारतीय में जब भी राष्ट्रपति का शासन होता है तो हम बिना संविधान परिवर्तन या बिना संविधान संशोधन के तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एकात्मक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही हमारे संविधान की सबसे अच्छी विशेषता है, बाकी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है, वहाँ संशोधन करना पड़ता, लेकिन भारत में बिना संशोधन के हम क्या हो सकते हैं, एकात्मक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए यहाँ पर दिख रहा है आपका न्यायपालिका का पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता, ये कह लीजिए हमारी खूबी है संविधान की, यानी संसद द्वारा पास किए गए कानून को न्यायपालिका क्या करेगी, पुनरावलोकन कर सकती है, उस पर जाँच परख कर सकती है। यानी कैसे कि न्यायपालिका हमारे संविधान की रक्षक है, और यही रक्षक का सबसे पहला काम होता है कि वह ऐसा कानून ना पास करे जो जनता के अधिकारों का हनन करे, इसे कहते हैं पुनरावलोकन की शक्ति, किसके पास है, न्यायपालिका के पास है, समझ गया ना। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में एकात्मकता का लक्षण। मैंने पहले कहा था ना कि भारतीय संविधान इतनी सारी खूबियां हैं ना, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन खूबियां खत्म होने वाले नहीं है। उन्हीं खूबी में से एक और खूबी है, क्या है कि संविधान क्या है दोस्तों, एकात्मक भी है और संघात्मक, तो आपको पता ही है। तो एकात्मकता के कुछ लक्षण की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे एकात्मकता का लक्षण क्या है कि शक्तियों का पक्ष केंद्र के हाथों में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको पता है कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये तीन सूचियों में हमारा संविधान बांटा गया है, लेकिन समवर्ती सूची का ज्यादा पार किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। इसी तरह एक आपसी शक्तियां भी है, वो पूरी पूरी किसके पास है, केंद्र के पास है। तो यानी शक्तियों का झुकाव केंद्र के पास, यानी एकात्मकता का पावर होता है। एकात्मकता की तीसरी विशेषता, दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, कठोर संविधान। कठोर संविधान एकात्मकता को किस लिए करता है कि जैसे आर्टिकल 368, ठीक थोड़ा समझ लीजिए, देखो राजनीतिक विज्ञान पढ़ना, आप लोग पॉलिटिकल विज्ञान के छात्र हैं, और पॉलिटी का पढ़ना मतलब होता है संविधान को पढ़ना, तो थोड़ी समझ विकसित होनी चाहिए। क्या है दोस्तों, तो 368 आर्टिकल 368 में भारत में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो तीन तरह हमारे संविधान में संशोधन होता है, पहला साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन, तीसरा विशेष बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों की सहमति। जब आधे से अधिक राज्यों की सहमति की बात होती है तो वहाँ हमारा संविधान बदला नहीं जाता, यानी एकात्मकता का प्रतिरूप होता है। तो ये भी हमारे संविधान का क्या है, गुण है, किसका, एकात्मकता का। एकहरी नागरिकता सबसे बड़ा गुण है किसका, हमारे संविधान की एकात्मकता का, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी राज्य में रहता हो, क्या कहलाता है, भारत का नागरिक। इससे पहले ना अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन जब 2019 में आर्टिकल 370 को डिमोलाइज कर दिया, यानी समाप्त कर दिया गया, तो अब जम्मू कश्मीर के भी नागरिकों के क्या प्राप्त है, भारत की नागरिकता। तो आपको पढ़ना करंट के साथ, देखो पॉलिटी का मतलब होता है एक बार लिख के वो नहीं, पॉलिटी ना चेंजेस मांगती है और हमेशा इसमें परिवर्तन होते रहता है, और जब तक आप परिवर्तन नहीं समझेंगे तब तक राजनीतिक विज्ञान को आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकते, याद रखना। तो परिवर्तन के साथ पढ़ना चाहिए हम सभी को और आदर डालना चाहिए। तो 377 क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया है, और अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर के भी नागरिकों को क्या कर दिया गया है, भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई है। तो ये कुछ क्या है, हमारे संविधान के एकात्मकता के लक्षण। सो हमारा चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त यहां पर। इसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, वो मैंने पहले बता दिया, और अभी नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो पीडीएफ है वो लिंक में मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सजेशन दीजिए कि आने वाली वीडियो में आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे सकूँ और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद।